छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में स्वागत है दोस्तों। तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है, स्कूल में हेडमास्टर की गंदी बात, 30 से ज्यादा बच्चियों से छेड़छाड़, अश्लील बातें कर देता था गाली, गिरफ्तार। कांकेर जिले के कच्चे चौकी क्षेत्र में स्कूल की बच्चियों के साथ गंदी बात और अश्लील हरकत करने वाले हेडमास्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी प्रधान पाठक मनबहल सिंह कुंजाम भानुप्रतापपुर ब्लॉक के शासकीय माध्यमिक शाला का प्रधान पाठक था। छात्राओं ने बताया कि प्रधान पाठक मनबहल सिंह कुंजाम 2022 से ही उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था। वो उनके निजी अंगों को गलत नीयत से हाथ लगाता था, उन पर बुरी नीयत रखता था, उनसे गलत और अश्लील बातें करता था, साथ ही ऐसी हरकतें करने से मना करने पर उनके साथ गाली गलौज भी करता था। इससे वे काफी परेशान थी। बच्चियों ने बताया कि स्कूल जाकर पढ़ाई करना उनके लिए दूभर हो गया था। छठवीं से आठवीं क्लास की 30 से ज्यादा बच्चियों ने प्रधान पाठक की शिकायत की है। उन्होंने बताया कि हेडमास्टर ने उन्हें बुरी तरह से डरा दिया था, लेकिन जब पानी सिर से ऊपर चला गया तब उन्होंने अपने परिजनों से पूरी बात बताई। इसके बाद घरवाले छात्राओं के साथ 5 मार्च को कच्चे चौकी थाने पहुंचे और वहां मामले की शिकायत दर्ज कराए। आक्रोशित ग्रामीणों ने तुरंत आरोपी पर कार्रवाई करने की मांग की थी। इधर केस दर्ज होते ही आरोपी प्रधान पाठक मनबहल सिंह कुंजाम फरार हो गया था। शिक्षा विभाग ने मामले की विभागीय जांच करवाई, जिसमें आरोपी शिक्षक के खिलाफ शिकायत सही पाई गई। इसके बाद शिक्षा विभाग की तरफ से भी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई। फरार चल रहे शिक्षक को तलाशने के लिए पुलिस ने अलग अलग टीम बनाकर दबिश दी। इतने दिनों की मशक्कत के बाद गुरुवार 30 मार्च को आरोपी शिक्षक को भानुप्रतापपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। मेडिकल जांच के बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। एसपी शलभ सिन्हा ने बताया कि शिक्षक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया गया है। सबसे पहले 3 बच्चियों ने शिकायत दर्ज करवाई थी, उसके बाद कई और बच्चियों ने हेडमास्टर के खिलाफ शिकायत की है। एसपी शलभ सिन्हा ने बताया कि कच्चे चौकी क्षेत्र के शासकीय माध्यमिक शाला में पढ़ने वाली इन बच्चियों ने पहले डर के कारण शिकायत नहीं की थी, लेकिन जब कुछ छात्राओं ने हिम्मत दिखाई तो बाकी पीड़ित बच्चियां भी सामने आईं और मामला दर्ज करवाया। पीड़ित बच्चियां 6 से 8 तक की हैं।